मम भव भवे यावदेते पुवर्गा। जब तक मुझे भव भव मिले, जब तक मैं संसार में रहूं, मेरी ये सातों भावनाएं मुझसे दूर ना हो जाए। कलम ने सुना था शास्त्राभ्यासो, शास्त्र का अभ्यास बंद नहीं होना चाहिए। अगर शास्त्र का अभ्यास बंद हो गया तो आपके अंदर से आत्म कल्याण की भावना वहीं समाप्त हो जाएगी। माता जी एक ब्रह्मचारी थे संग में हम लोगों के, हम भी ब्रह्मचारी थे और वो भी ब्रह्मचारी थे। क्या पता अचानक उनके मन में क्या आया, आबू भाई साहब घर पहुंच गए, पढ़ाई चालू कर दी, अब पता नहीं क्या स्थिति है। लेकिन हमने उनसे पूछा, भैया ये तो बताओ आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आपको घर जाने के भाव हो गए। अकेले में उनके नगर पहुंचे हम लोग, तो हमने अकेले में पूछा, क्यों हंसी के लिए नहीं आबू, कहीं ऐसे भाव अपने ना हो जाएं। एक कुशल व्यापारी दूसरे व्यापारी की सफलता का कारण भी ढूंढता है और असफलता का कारण भी ढूंढता है, कहीं अपन असफल ना हो जाए। सुनना पंडित जी, मैंने पूछा भैया तुम्हारे बैराग्य की विदाई कैसे हो गई। क्या बोले वो, बोले हमने स्वाध्याय बंद कर दिया था और आचार्य श्री के प्रवचन सुनना बंद कर दिए थे। जब तक जिन वचन नहीं सुनोगे, शास्त्रों का अभ्यास नहीं करते रहोगे, वैराग्य नहीं बचेगा। सत्य है कि नहीं सहज सागर जी? जहां तुम शास्त्रों के अभ्यास से विमुख हुए, तुमको इंद्रिय विषय घेरेंगे। इसलिए शास्त्रों के अभ्यास से कभी विमुख मत होना। आगे कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी, जिन पतिनुति जो जिनेंद्र भगवान हैं, जिन येने आप सभी जिन हो, एक देश जिन चौथे गुण स्थान से, एक देश जिन जिसने मिथ्यात्व को जीता सो जिन, एक देश जिन, फिर क्रम से बढ़ते 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 मुनिराज गणधर परमेश जी, ये सब जिन, इन जिनों के जो पति हैं कौन है, देवादिदेव अरिहंत देव, इनके प्रति नुति, इनके प्रति नमस्कार, ये कभी जाना नहीं चाहिए। ये इस जिन पति नुति से कभी विमुख मत होना। और सुनो पंडित जी, नाम के नीलेश नाम है, नीरज पंडित जी, श्री जी को देखते हो कि प्रशस्ति को देखते हो, बताओ ईमानदारी से। लेकिन हर जीव श्री जी को नहीं देखता हर्ष है? बहुत से जीव ऐसे हैं पहले प्रशस्ति में नाम पढ़ते हैं किनके द्वारा प्रतिष्ठित है, फिर आगे बढ़ जाते, बोले नहीं हम नमस्कार नहीं करेंगे। क्यों हर्ष? नीरज पंडित जी उसके भाव थे कि हमारे घर के पास में मंदिर है, वहां श्री जी रखना है। मंदिर वालों ने क्या बोला, बोले प्रशस्ति में इन आचार्य का नाम नहीं है तो तुम्हारी मूर्ति नहीं रखी जाएगी। सही है हर्ष? अब सोचो उन जीवों का क्या होगा जिनको जिन पति नुति से कोई तात्पर्य नहीं है, उनको तो सिर्फ नाम से तात्पर्य है। अपन सब जगह की प्रशस्ति पढ़ते हैं। ये श्री जी की स्थापना गुलाब पंडित जी ने कराई थी, गुलाब चंद जी पुष्प, उस समय कौन से महाराज जी थे, हाँ क्षमा सागर जी और तीन महाराज थे, ठीक है। तो साधु परमेश जी ने प्रतिष्ठित की ना, तो उसमें क्या दोष है? आप तो जिन पति नुति करो, प्रशस्ति का राग मत करो। आबू प्रशस्ति का राग करोगे ना,
उसी प्रशस्ति में कीड़ा बन के घूमना पड़ेगा। प्रीतेश, मंगलगिरी में लगभग 500-600 मूर्तियां हैं, आदि मूर्तियों में तो नाम ही नहीं लिखे ना हमारा ना आचार्य श्री का, आदि से ज्यादा मूर्तियां। हमने कहा तुम तो छोटी प्रशस्ति लिखो, वीर निर्माण संबद्ध प्रतिष्ठित, बात खत्म। ठीक है कि नहीं? क्यों? नाम के लिए पंच कल्याणक नहीं होते, जिनेंद्र भगवान और जिन शासन की प्रभावना हो इसलिए पंच कल्याणक है। त्रिपाठी जी, नाम किसी का नहीं बचा। अब एच एल जिन साहब आ रहे हैं, जब इनके मंदिर गए दर्शन करें तब तुझे गोल थे, अब आ गए भैया भगवान के दर्शन करते कि प्रशस्ति के मंदिर में। बस जिन पति नुति, जिनेंद्र भगवान के प्रति नुति रखना, ये पूज्य पाद स्वामी कह रहे, हे भगवान जब तक मुझे जन्म मिले, मुझे भव मिले, जिनेंद्र भगवान के प्रति मेरी भक्ति बनी रहे, उनको मैं नुति प्रणाम करता रहूं। बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं, अध्यक्ष जी कहाँ हैं? मंदिर आना सबसे पहले पूजा भी से करना, ये मत देखना कौन सी व्यवस्था कैसी है, आपके ऊपर दायित्व है। कूद कोड़ी बैठो अध्यक्ष जी, पहले मंदिर आके ये मत देखना कि कहाँ झाड़ू लगी है, कहाँ क्या हो रहा है, पहले आप जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक करना, इसके बाद आप मंदिर की व्यवस्था देखना, व्यवस्था देखना, अपनी व्यवस्था नहीं बिगाड़ना। मंदिर की व्यवस्था के लिए आप अध्यक्ष बने हो, अपनी व्यवस्था मत बिगाड़ना। जिन पति नुति, जिनेंद्र भगवान के प्रति नमस्कार बनाए रखना। अबू जिनेंद्र भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति कभी कम ना हो जाए। जो जिसके योग्य है उसको वही देना चाहिए। महाव्रति पूजा के योग्य हैं, सो उनकी पूजा करना। प्रीतेश, महाव्रति पूजा के योग्य हैं, सो उनकी पूजा करना। तुम्हारे पिताजी पूजा के योग्य नहीं है, उनकी पूजा करने मत बैठना, नहीं तो बोले हम भी भगवान आत्मा और वो भी भगवान आत्मा। ठीक है ना? ऐसे ही ना माँ, सब भगवान आत्मा है कि नहीं? माता जी, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सब जीव भगवान आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, सिद्धों के समान है। तो सब सिद्धों के समान है ना, तो आबू आज से तुम देवी की अष्ट द्रव्य से पूजा करने लगना, ऐसा नहीं चलेगा। देखना और होना दोनों में अंतर है, देखना और होना दोनों में अंतर है। सब भगवान आत्मा है, किसी की प्रकट है, किसी की प्रकट। अगर कोई बोले नहीं हम तो सबको पूजा करेंगे, तो उसको एक थाली भर के गेहूं दे देना, बोलना खाओ। क्या बोलना? पूड़ी है, ये गेहूं की पूड़ी है, ये पराठा है, रोटी है, खाओ। क्या बोलेगा? भैया ये तो अंदर जा ही नहीं रहे। भैया जब तक संस्कारित नहीं होंगे तब तक पर्याय प्रकट नहीं होगी, जब तक आत्मा संस्कारित नहीं होगी सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होगी। लेकिन जिनकी अवस्था प्रकट हो चुकी है, जिन पतिनुति, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं मेरे परिणाम होते रहे नमस्कार करने के, ये भाव बना के रखना। कर्मोदय किसी को नहीं छोड़ता। सागर में सैलेंद्र एक लड़का आया, आदिनाथ भगवान की वहां पूजा करता ऊपर, हो क्या बोला? बोले महाराज हमारे ऐसे परिणाम होते हैं, मंदिर आते ही हम प्रतिदिन पूजा अभिषेक करते हैं, लेकिन मंदिर आते ही ऐसे परिणाम होते हैं कि मूर्ति को बम से उड़ा दूं। बोले हम पूजा अभिषेक करते हैं लेकिन मन ऐसे ही होता है, मूर्ति देखो परिणाम खराब होने लगते हैं।
अपने। फिर बोले महाराज जी हम पूजा अभिषेक तो करते हैं लेकिन मन लगता ही नहीं। सोचो सोचो जिनेंद्र भगवान के प्रति अशुभ भाव रहे, उसको समझ में आ रहा है कि एक अशुभ कर्म का तीव्रता चल रहा है। अब प्रमेय सागर जी, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति खंडित करने का भाव आ रहा है, कितना तीव्र पाप कर्म का उदय उस जीव का है, कर नहीं रहा, उसको पश्चाताप होता है कि ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं। कभी कभी मंदिर में आके अशुभ परिणाम होते कि नहीं, बोले मूर्ति को देख के हमारा मन विषयों में लीन होता, बेकार आने लगते हैं। तब ऐसा जब ऐसा परिणाम हो जाए किसी का, तो कुछ नहीं करे जीव, वहीं स्वयं बैठ करके शांति मंत्र की जाप करे। क्यों, हमें तो कर्मों का समन करना है, तब कहीं जाकर के बेकार समाप्त होंगे। पर्याय को समाप्त नहीं करना, विकारों को समाप्त करना है। कन्नड़ के ताड़पत्र में माता जी एक जाप मिलती है, अरिहं ताड़म नमः। लेकिन उसको उच्चारण करने का तरीका है, जब भी शांति के भाव हो, लग रहा है कुछ अशुभ होने वाला है, उस अरिहं ताड़म नमः, अरिहं ताड़म नमः, इसकी जाप देने से शांति मिलती है। और जो अशुभ कर्म जोर में है ना, वो ठंडे पड़ते हैं। सीता का पद्म पुराण में क्या दृष्टांत आया वनवास का, उनको सपने में आया कि मैं काली साड़ी पहनकर रथ से नीचे गिर रही हूं। श्री राम ने अष्टांग निमित्त से देख के क्या बोला, समझ गए कि इसे वनवास होने वाला है, ये पृथक होने वाली है। उन्होंने कहा आप शांति कर्म के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। तीर्थ यात्रा करती नहीं सीता जी, फिर बाद में क्या हुआ, कृतांत वक्र ने क्या बोला, माँ आपको वनवास दिया गया है। लेकिन जो शांति कर्म किया उन्होंने, जिन पति नुति जिनेन्द्र भगवान को प्रणाम करते रहे, उससे वो कर्म इतना शांत हो गया कि जंगल में तो गई लेकिन जंगल में नहीं रही। जंगल में तो वो गई नीरज पंडित जी, लेकिन जंगल में नहीं रही, कहाँ रही, रही राजा के महल में ही, विद्याधर भाई बना के ले गया, बहन बनाकर ले गया, चलो तुम मेरे साथ। हीरालाल जी, कर्मों के उपशम के लिए जिन पति नुति और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देख के अशुभ भाव आ रहे हैं, तो विचार करना कैसा पूर्व का पापी हूं मैं कि भगवान की प्रतिमा देख के ऐसे भाव आ रहे हैं। तुम्हारे सागर की घटना है आबू, एक माता जी ने कहा जब तक ये प्रतिमा मंदिर से नहीं जाएंगी हम आहार पे नहीं उठेंगे। ये नहीं आता अपना क्या नाम था, कल लड़का था डब्बू, उसके पिताजी बता रहे थे, बोले माता जी ने प्रशस्ति पढ़ ली, बोले जब तक मूर्ति यहां रहेगी मैं नहीं जाऊंगी आहार पे। उनने कहा तुम्हारा काम, निकलो सो निकलो। भैया ऐसे ही होता है प्रीतेश, जिनेंद्र माँ आप सबसे कहना है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की वंदना करना, प्रशस्ति को मत देखना। जिन पति नुति आगे कह रहे हैं, संगति सर्वदा आर्यई, आर्य पुरुषों की संगति मुझे भगवान भव भव में मिले। संगति सर्वदा आर्यई, सुनो आर्यन बेटा, एक बार गलत संगति में पड़ गए फिर तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। एक गलत व्यक्ति जीवन से जुड़ गया ना हर्ष, पूरा जीवन गलत हो जाएगा। चारित्र तो छोड़ो, वो तो जाता ही है, घर की तुम्हारी पूरी परिस्थिति, भावों की तुम्हारी पूरी परिस्थिति, सब समाप्त। माता जी सत्य की नहीं, और फिर आपसे सब टूटेंगे, आपसे मतलब जिनकी अशुभ संगति होगी उनके लिए कह रहे हैं। हम दोष दूसरों को देते हैं, अपनी संगति को देखते नहीं है। संगति ऐसी रखो आबू,
तुम्हारे सागर में कितने मिट गए MCX में हुँ? इतने 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 नुकसान में गए हैं कि पर्याय लग जाएंगी निकलने में बाहर। हीरालाल जी, संगति ऐसी रखो जिससे आपकी सदगति हो। ऐसी संगति में कभी मत जाना जिससे आपकी दुर्गति हो। अब ये मत पूछना कौन सी संगति कैसी संगति, इतने आप सब ज्ञानी हो, क्यों सहसा जी ज्ञानी नहीं हो? आप ज्ञानी हो ना, कह रहे महाज्ञानी है, इसलिए तो आपका सूत्र ही है, बने रहो पगला काम करेगा अगला। संगति इनसे पूछ लो, ये भी संग में रहे, हम भी संग में रहे, इनके बाजू में भी साधु रहे, हमारे बाजू में भी साधु रहे। संगति जिसने बिगाड़ ली फिर उसके परिणाम स्थिर नहीं होते, उसको गुरु में गुरु नहीं दिखते, शिष्य में शिष्य नहीं दिखते। सत्य की नहीं माता जी, पक्की है। और फिर वो अपना प्राण छोड़ देगा लेकिन संगति नहीं छोड़ेगा। कौन सी? अशुभ संगति। आर्य पुरुषों की संगति रखो मां, आर्य पुरुषों की संगति रखो। आपको आपको अगर अपने घर का धन और आत्मा का धन यानी चारित्र दोनों बचा के रखना है तो आर्य पुरुषों की संगति करो। पुरुष से मतलब आत्मा, जो सज्जन है उनके साथ रहो। एक श्लोक याद कर लो माता जी, आप तो सुना देना जब मौका पड़े तो। सकटम पंच हस्तेन दस हस्तेन वाजिना, हस्ती हस्त सहस्त्रेण देश त्यागी ने दुर्जना। सकट ये ने सकट सकट बैलगाड़ी, सकट बैलगाड़ी को भी सकट कहते हैं। सकटम पंच हस्तेना, पांच हाथ दूर चलो बैलगाड़ी से। अपनी रक्षा चाहते हो तो दस हस्तेन वाजिना, वाजिन ये ने घोड़ा, घोड़े से दस हाथ दूर चलो। उसने कहीं एक बार पैर चलाया ना तो कहीं तुम 10-20 फीट दूर मिलोगे। पूछो आप परमेश्वर, घोड़े ने ऐसी लात मारी थी एक को, वो अम्मा 3 घंटे तक होश में नहीं आई थी अब्दुल्लागंज में। हम लोगों की बिनौली चली थी गोद भराई, वो बिल्कुल बाजू में सट सट के चल रही। अब जो कह रहे खिसको घोड़ा है खिसको, वो नहीं मान, घोड़े ने उल्टी टांग घुमाई, अम्मा 3 फिट ऊपर फिर 4 फिट नीचे, फिर होश ही में नहीं कहाँ है। धीरे धो हमने कहा भैया देखो भैया हमारी बिनौली कहीं इनका यात्रा ना हो जाए, लेकिन बच गई। तब समझ में आया दस हस्तेन वाजिना, घोड़े से 10 हाथ दूर चलो। हस्ती हस्त सहस्त्रेना, हाथी हो तो उससे 1000 हाथ दूर चलना अपनी रक्षा चाहते हो तो। नहीं तो सहसागर जी जंगली हाथी मिले थे ना अपने कर्नाटक बिहार में, ऐसे भगते फिरेंगे लोग। ऐसे जंगली हाथी मिले माता जी, वो 3 हाथी लगभग 300 मीटर अंदर होंगे और फनी बोले झंडा नीचे करो, पीछे नीचे करो, यहां से निकलो वहां से निकलो। ने क्या हो गया भैया? बोले जंगली हाथी हैं, हम लोग दौड़ रहे वे चल रहे। हाथी से 1000 हाथ दूर चलो। और सुनो देश त्यागे दुर्जना, जहां दुर्जन लोग हो वो देश ही त्याग कर देना चाहिए। अपनी रक्षा चाहते हो तो, बाकी अपनी रक्षा नहीं चाहते तो दुर्जन से तुम चिपके रहो गौच जैसे। समझ गए बाबू? दुर्जन लोगों से दूर रहना। हाँ सज्जन के दूर मत रहना, सज्जन के पास रहना। दृष्टि दृष्टि का फेर है, एक को हम नंगे दिख रहे हैं एक को गुरु दिख रहे हैं। मधुर तुम्हारा दौड़ते आया कि नहीं दर्शन करने के लिए? क्यों आया, क्या मिला उसको आज? हर्ष क्या मिला उसको आज? आया दर्शन करके चला गया ना वो। उसको पता है
इनके साथ रहेंगे सो हमारे परिणामों की विशुद्धि बनी रहेगी। माताओं से पूछने, माता जी की वैयावृत्ति करने कभी गए हैं? कभी कभार जाते हो हैं? जब तक माता जी के पास रहते हो तो परिणाम कैसे रहते हैं आपके? घर पहुंचते ही घर पहुंचे कि परिणाम बिगड़ गए। सही है कि नहीं त्रिपाठी जी? जब तक आप गुरुओं की संगति में रहोगे, आर्य पुरुषों के पास रहोगे, तो आपके परिणाम अच्छे रहेंगे। जैसे गुरुओं से दूर हुए आपके परिणाम बेकार रिक्त हो जाएंगे। नहीं होते काय अध्यक्ष, इनका तो अखंड मौन है। नहीं है तो बताओ ना भैया, मंदिर के परिणाम और घर के परिणाम अंतर होता कि नहीं? और व्यापार में जाओ तो परिणाम कैसे होते? क्यों है? क्योंकि संगति अलग अलग है हीरा लाल जी, संगति की भिन्नता है, इसलिए परिणाम भिन्नता है। पूछो आर्यन से, अभी टीकमगढ़ चलो फिर उसके भाव देखना, घोरा चलो फिर उसके भाव देखना। कहाँ आर्यन? इधर देखना भाई। जैसे ही तुम यहां से निकले टीकमगढ़ पहुंचे कैसे भाव थे? ईमानदारी से बोलना, तुम 3-4 दिन छुट्टी में थे भाई, गए थे छुट्टी पे घर, सो कैसे भाव थे बता दे। ऐसा नहीं लगा 3-4 महीने विशुद्धि कमाई सब मिटा दी हा? नहीं लगा ऐसा? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जिनके पास रहोगे, किनके पास? अरे जिनके, जिनेंद्र के पास रहोगे तो जिन बनने के भाव आएंगे, और इनके पास रहोगे तो इन जैसे बनने के भाव आएंगे। जिनके पास रहोगे वैसे भाव आएंगे। नहीं समझ में आया? हम तो 4 महीने से कह रहे हर्ष मान ही नहीं रहा। अब कौन से बैराग के इंजेक्शन लगाए जाते भगवान जाने हमारे लिए। अभी देख दाढ़ी उड़ गई ना, अपरमित सागर कह रहे मूंछ उड़ेगी, फिर बाल उड़ेंगे, फिर कपड़े उड़ेंगे, फिर तुम मुनि बनोगे। हाँ जोड़ लो, लेकिन बोले सब यहीं समाप्त, ऐसा नहीं। दूसरे के दुख को देखकर, पीड़ा को देखकर अगर तुम नहीं समझे तो तुम समझदार नहीं हो। किसी को ठोकर खाता देख लिया तो तुम ठोकर खाओगे वहीं से ना? है कोई निकल रहा है और ठोकर लग गई उसको जमीन ऊपर नीचे, तुमने देख लिया, तुम भी वहीं से निकल रहे हो, तुमको ठोकर लगेगी। क्यों? बच के निकलोगे ना। भैया आबू कह रहा है मत करो साधु साधी, ठोकर हमें लग चुकी है, लेकिन तुम जान के वहीं गड्ढे से निकल रहे हो। अब तुम समझ लो तुम कौन हो। तुम मत दांत दिखाओ प्रीतेश, तुम कौन से परमात्मा बन गए हो? नीरज पंडित जी हो गई तुम्हारी, हो गई, बच्चे भी हो गए, कितने हैं? अब प्रीतेश को बोल दो कि भाई तुम मत करना। कहाँ है राहुल? राहुल तुम करोगे हैं? हाँ भैया सायगढ़ भाई, तुम्हें से पूछा तुम करोगे क्या? नहीं करोगे मतलब महाराज की बात नहीं मानेंगे ही ना, कि ब्याह नहीं करेंगे। जिन जिन ने किया ब्याह उनने कर लिया न्याव। न्याव क्या होता है? अरे सारे शब्द बुंदेलखंड के इसलिए बनाए गए हैं, आप समझ ही नहीं रहे हो। शादी की जितनी क्रियाएं होती किसी को याद है? अभी नई नई किसकी हुई है? पुराने हैं, किसी को तो कुछ तो याद होगा। माँ है? अरे आपकी छोड़ो, इनसे पूछते हैं क्यों त्रिपाठी जी आपकी याद है कुछ? शर्माना नहीं, हम तो पूछ रहे। आबू तुमको याद है सिर पे कपड़ा बंधा था ऐसा चलेवा और मूसल घूम रहा था चारों तरफ, याद है? नहीं याद? मूसल क्यों घूम रहा था? साथ में रोटी पूड़ी थी और रहती है बासी, क्यों रहती है? माँ क्यों रखती हो बासी पूड़ी और मूसल है?
जे कोई को नहीं मालूम, हम बता रहे, सुन लो अम्मा, वो मूसल घूम रहा है, तुम रोटी के पीछे आओगे और रोज मूसल खाओगे। पक्की है? फिर घोड़ी पे बैठाते हैं कि एक बार जीवन में गधा घोड़ी पे बैठ जाए। फिर माँ की गोद में बैठाते हैं आखिरी बार, बैठाते हैं माँ की गोद में बैठाया जाता है, याद है किसी को अपनी हैं? माँ की गोद में हमने देखा बैठे हुए, सो क्यों बैठाते हैं? अब तुम्हारा बेटा बेटा नहीं बचा, अब विकार युक्त हो चुका है, बैठा लो आखिरी बार, अब दोबारा तुम्हारे पास कभी नहीं बैठेगा। छह फेर तक, सात फेर लगते हैं, छठवे फेर तक पत्नी आगे रहती है, सात फेर तुमको आगे करती है, छह नरक तक मैं जाऊंगी, सातवें में तुम जाओगी। फिर उसके बाद वो हल्दी मचाते हैं, क्या करते हैं? हल्दी में डालते हैं अंगूठी, क्या करते हैं? फिर बोले ढूंढो ढूंढो, इसका मतलब कौन किसकी संपत्ति पे राज करेगा। फिर सुनो बाबू, फिर आटे में लिखवाते हैं, एक दूसरे लिखते हैं, तुम बोले तुम पढ़ो, क्यों भाई? एक दूसरे को समझेंगे कि नहीं समझेंगे? फिर एक पत्नी पति के हाथ में गठान बांधती है, अच्छी जितनी बांध सकती ताकती सकती थे, वो बोलती एक हाथ से खोलो, क्यों? कौन किसके राग से छूट पाएगा? जिसकी नहीं खुले समझ लेना जीवन भर नहीं खुलेगी, वो चिपकी रहेगी। बाबू तुम्हारी खुली थी कि नहीं है? तुम्हें तोड़ दी थी, तुम अजीब ही हो। और जब बेटी बहू की निकासी करते हैं, सिर पे चंदे भर रहता है और ऐसे हाथ में लाई भर के फेंकते हैं, वो क्यों फेंकते हैं? उसमें भी निमित्त ज्ञान लगाया जाता है कि कितनी दूर तक इसकी ये लाई गई है, इसको घर से कितना राग रहेगा। बैरागियों के लिए भी ये सब होता है, पता ही नहीं है पिता के मरे में और अपनी शादी में जो जो बोले सो आदमी सब करता है। जो व्यक्ति बोल दे, जैसा बोल दे वैसा करता, क्यों भैया? हमें कुछ नहीं पता, पहली बार हो रहा है, जैसा तुम बोलो सब करेंगे। लेकिन उसके बाद होता क्या है? इधर देखना हर्ष भैया, कथा तुम्हारे लिए सुना रहे हैं। जैसे ही तुम देवी की संगति में आए, मन तुम्हारा विकारों से युक्त हो गया, जहां तुम गुरु की संगति में थे मन तुम्हारा पवित्र था। होता कि नहीं भैया? नहीं होता है हीरालाल जी? जहां गुरु मिल गए तुम सब भूल जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम अशुभ लोगों की संगति में हो आबू, तुम अशुभ नहीं करते हो तो बदनाम जरूर हो जाओगे, बदनाम अवश्य हो जाओगे, पक्का है। कैसा? चार लोगों के साथ आबू तुम गए हो और वो चारों होटल पर बैठे हैं और तुम भी साथ में बैठ गए, तुमने खाया कुछ नहीं पिया कुछ नहीं, गिलास टूटेगी 12 आने और लगेंगे, फोटो खींच के डालेगा सबसे पहले तुम्हारा कृष्ण सच्चू, बोले देखो पिछली और होटल में बैठे हैं। ध्यान रखना, एक बच्चा चिप्स का व्यापार करता था, जबलपुरी घटना है, सो दुनिया भर के जगह चिप्स जाती है, तो बियर की दुकान थी, दारू की दुकान थी, वहां भी वो चिप्स देने जाता था, सो वहां दे करके लौटा, सो लौटा तो उसका पैर हो गया स्लिप, सो गिरते गिरते बच्चा, एक ने देख लिया कि जैन साहब का लड़का पी के लौट रहा है, उसने हल्ला ही कर दिया, बेचारा शांति रोज पूजा भी से करने वाला, उसका हल्ला हो गया कि वो दारू पी के लौटा था। फिर आबू उसने वहां जाना ही बंद कर दिया, बोले व्यापार बंद हो जाए वो श्रेष्ठ है, बदनाम हो जाऊं वो श्रेष्ठ नहीं है। आर्य लोगों की संगति करो, दुर्जन लोगों की संगति कभी मत करो। और सुनो हर हाथ में क्या है, उठाओ तो एक मिनट, जरा ऊपर करो जरा, ये सबसे बड़ा दुर्जन है।
ये आपको उन उन लोगों के पास तक ले जा लेता है जिनको कभी आपने देखा नहीं, जिनको कभी जाना नहीं, जिनसे कोई प्रयोजन नहीं। फिर प्रीतिस कहता है इतने दोस्त हैं, इतने लोगों की रिक्वेस्ट बची है, कन्फर्म करना है। भैया तुम कन्फर्म करो, रिक्वेस्ट कन्फर्म मत करो, हमारी रिक्वेस्ट कन्फर्म करो, सिद्ध सलाह की टिकट मिलेगी। फिर भी नहीं मानेंगे, क्यों? वो एक बूंद शहद की है ना, इनको उसी में आनंद आ रहा है। समझ गए? आर्य पुरुषों की संगति करोगे तो सदगति मिलेगी। हाथ में क्या है हर्ष? देख ले भाई, सबसे बड़ा दुर्जन वो है। तुमने प्रवचन सुनने के लिए खोला, एक उंगली थोड़ी तेज चल गई, एक की जगह प्रभु की जगह, गुरु की जगह कोई और चित्र आ गया, तुमने बटन दबा दी, बस तुमने विशुद्धि खत्म कर ली। बोलो नीलेश, होता कि नहीं, सत्य कि नहीं? अपना मोबाइल हर किसी को दे सकते हो, इसका मतलब उसमें दुर्जन लोगों की संगति है। आबू तुम दे सकते हो अपना मोबाइल किसी को देखने के लिए, इसका मतलब उसमें दुर्जन लोगों की संगति नहीं है। लोग क्या करते हैं, ऐसा लॉक डालते हैं, ऐसा घुमा फिरा के कोई खोल ना पाए। समझ लो मामला गड़बड़ है। पक्की है प्रीतेश, तुम दे दोगे अपना मोबाइल हर किसी को देखने? हैं हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंदर से बोलो, यहां से, पेट से, गले से नहीं। सुनो आबू, लोग कहते महाराज जी व्यवस्थित हो जाओ, लोग आ रहे हैं। अरे व्यवस्थित क्यों हो जाओ, हम पहले से ही व्यवस्थित हैं। व्यवस्थित वो हों जिनके परिणाम अव्यवस्थित हैं। बोले माता जी आ रही है, माता जी आ रही हैं, सो आने दो, अच्छी बात है, अपन व्यवस्थित हैं ही माता जी, सो टेंशन किस बात की। बोले सागर है, व्यवस्थित रहना पड़ेगा। भैया व्यवस्थित वो रहे जो अव्यवस्थित हैं, अपन तो पहले से ही व्यवस्थित हैं। बोलो सहज सागर जी, कोई आपका बैग खोल के देख ले तो काहे की टेंशन है? देख ले तो देख ले, लेके ले भी गया तो क्या ले जाएगा, जिनवाणी और माला है? कभी ताला लगा के तो हम जिंदगी में नहीं गए अपने कमरे में। कहां की घटना है, एक बार ताला लग गया था हमारे कमरे में, हमने कभी अभी खोलो, तुम्हारे मोरा जी में टोपी है ना अपने, अब वो संतोष तांत्रिक, वो बोला कि महाराज जी आप जाते हो ना कमरे में ताला लगाएंगे। हमने सुनो अपना ताला अपने घर में लगाओ, हमारे कमरे में कोई ताला नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। समझ रहा आर्यन, हमारे जिनवाणी का बैग कहीं भी रखा, हमें टेंशन नहीं। आर्यन को कैमरे के बैग की टेंशन रहती कहाँ है, सिर के बाजू में छाती में लगा के सोएगा, क्यों? कोई ले गया तो, और सहज सागर तुम्हारी पेंसिल ले गया तो दूसरी निकाल लेंगे, हटाओ दूसरी पेंसिल आ जाएगी। वस्तु की संगति भी ऐसी करो जिससे विकल्प ना हो, व्यक्ति की संगति भी ऐसी करो जिससे विकल्प ना हो। भैया हमें कोई भी सिटी में चले जाए, कोई राग द्वेष नहीं है आर्यन को, लेकिन है नहीं है, है ना बेटा? यही तो कम करना है, तुम दुनिया को प्रवचन भेज रहे हो, एक बार प्रवचन खुद को भी सुनाओ। ये मत सोचना कहीं महाराज फ्री में तो नहीं चलवा रहे, इसलिए भैया तुम्हारी पर्याय कहीं फ्री में ना निकल जाए इसलिए बोल रहे हैं। आर्यन घड़ी देख रहे कब खत्म होंगे, हैं? नहीं दिख रहे क्या भैया? प्रवचन कभी समाप्त नहीं होते। हाँ संगति अगर आपने अशुभ समाप्त कर ली, सो प्रवचन तुम्हारे अंदर जाएंगे और फिर तुम्हारी अनंत पर्याय का परिभ्रमण समाप्त होगा। इसीलिए हर्ष वो जो हाथ में है ना, सबसे बड़ी विसंगति वो ही है।
माँ को पता है कि भैया लाल सो रहे हैं कमरे में और भैया लाल खो रहे हैं कहीं और। तुम्हारा छोटू है ना, छोटू कौन, मंत्री नेमचंद जी का बेटा। बोले हमने इतने पैसे फोन में उड़ाए हैं कि BMW ले लेते। सुन रहे आबू, स्वयं कह रहा था वो। हमने पूछा भैया क्यों, ऐसा क्यों, बोले संगति नहीं थी उस समय। संगति बना के रखो, संगति बचा के रखो, तभी सदगति होगी। सुन रहे प्रीतेश, वो हाथ में है ना, उससे तुम बुरा भी कर सकते हो, उससे अच्छा भी कर सकते हो, लेकिन करना चाहो तो। इसलिए आदि पुरुष ने श्रेष्ठ पुरुषों की संगति रखो। बोलो आबू, अब होटल जहां तुम्हारा बंद हो गया है, भोजन मिल रहा कि नहीं, पेट भर रहा कि नहीं, तरीका दूसरा हो गया है लेकिन पेट भर रहा है कि नहीं, बस विकल्प किस बात का। लेकिन सुनो, तुम्हें विकल्प नहीं है, अब उनको विकल्प है जिनकी तुम्हारे कारण होटल छूट गई है। अच्छा, खर्चा बचा कि नहीं, हाँ परिणाम बच रहे कि नहीं। जितना आप अशुद्ध भोजन करते हो, गरिष्ठ भोजन करते हो, उतने विकार अधिक आते हैं। सुन रहे हर्ष, होटल में जाते लोग तो खाते हैं कि पीते हैं, भोजन करते कि पानी पीते ज्यादा। बोले पानी तो घर में भी जाके पी लेंगे, अभी ठूस लो भैया। वो गरिष्ठ भोजन तुमको बेकार दे रहा है, तुमने संगति बदली है भोजन की भी, देखो परिणाम बदले कि नहीं। राहुल, बेटा बन के रहना है कि पिता बन के, अंदर से बोलना पेट से, सब रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि बेटा बन के रहना है कि पति बन के, बोलना भाई। बस भोजन शुद्ध रखना, भाषण शुद्ध रखना और संगति भी शुद्ध रखना, तुम जीवन भर बेटा बन के रहोगे, एक दिन आएगा बेटा नहीं सिद्ध बन के रहोगे। समझ गए, नहीं समझे आबू, समझ गए। आर्यन को और समझा दो, बोलो ईमानदारी से हर्ष, वो जो हाथ में है वो जब भी देखो, सो क्या हर बार शुभ देखते हो? 10 में से 9 बार तो अशुभ ही दिखता है, फिर क्यों देखते हो, क्यों देखते हो? तस उवोगे ना, जैसा उपयोग जाता है वैसे तुम्हारे भाव हो जाते हैं। पहले तो लोग साधु आलू प्याज का नियम दिलाते थे माताजी, अब मोबाइल का नियम दिलवाना पड़ेगा, पिची परिवर्तन के फॉर्म में लिखवाना पड़ेगा कितने घंटे मोबाइल चलाओगे। एक तो बोल दिया, बोले बीवी छोड़ देंगे लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते। बोले देख लो आबू क्या स्थिति है, संगति सुधारेंगे तभी सदगति होगी। गांव फिर भी अच्छे हैं आबू, यहां पर वो स्टेटस मेंटेन नहीं होता, सो अच्छा है। और स्टेटस मेंटेन होने लगे सो पल्ला पहले यहां था, अब यहां है, अब पता नहीं कहां है। सीधा सही है कि नहीं मां, क्या गायब हो गया? पल्ला नहीं, संस्कार गायब हो रहे। पल्ला तो है ही साड़ी में, वो तो फ्री में आता है, पल्ला तो आज भी है लेकिन संस्कार चले गए इसलिए पल्ला नहीं दिख रहा। मां संगति सुधारो, जितने सीरियल देखते हैं ना उतने ज्यादा आप अशुभ गति में जाते हो। क्यों? वो ऐसे हैं, अपने को भी वैसे ही बनना है, बस हो गया सब काम खत्म। सुन लिया आर्यन भाई, संगति सुधार, ईमानदारी से बोलना, जब महाराज के पास रहो तो परिणाम कैसे रहते हैं?
और जैसे ही कमरे में पहुंचे तो नहीं बदलते, फिर दुनिया की याद नहीं आती, टीकमगढ़ जिले की नहीं आती याद, गुवारा की याद नहीं आती। भैया संगति सुधार ले, भगवान बन जाएगा, क्या भरोसा तू पहले मुझसे पहले मोक्ष चला जाएगा। संगति सुधार लो, आपका समय हो गया। पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं, शास्त्र अभ्यासो जिन पतिनुति संगति सर्वदा आर्यई। इन तीन परिणामों से मैं कभी च्युत ना हूं, जब तक मुझे भाव भाव मिले मुझे यही परिणाम रहे। आगे अपन चर्चा करेंगे कथाओं की कि कैसी कथा होना चाहिए और जीवन में कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, अपन आगे चर्चा करेंगे। आप सभी अपने परिणामों को विशुद्ध रखना चाहते हो तो संगति सुधारें और जिनेंद्र भगवान के प्रति प्रणाम नुति सदा बना के रखें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।